मुर्गा लगाने से पहले ये तय कर लें कि शौचालय का प्रयोग किस दिशा में बैठकर किया जाएगा, उसी अनुसार मुर्गे को लगाएं। मुर्गे को बैठाने के लिए जमीन को एकदम समतल या बराबर कर लें। फिर 1-4-8 के मसाले से 3 इंच मोटा प्लेटफॉर्म बना लें। साथ ही मुर्गे को बैठाते समय ही दीवार से उसकी दूरी नाप लें। पीछे की दीवार से ये दूरी कम से कम 9 इंच होनी चाहिए। पीछे से 9 इंच की दूरी इसलिए रखी जाती है ताकि मल त्याग करने वाला व्यक्ति आसानी से सीट पर बैठ सके और पीछे की दीवार से न टकराए। साथ ही अगल बगल की दीवारों से मुर्गा चबूतरे के बीचों बीच होना चाहिए। इसके बाद मुर्गे को इस तरह से बैठाएं कि मुर्गे के अंदर 20 मिलीमीटर के पानी का जलबंध हमेशा बना रहे। पानी के इस स्तर को ही वाटर सील कहा जाता है। वाटर सील ही गड्ढे से शौचालय के कमरे में आने वाली बदबूदार गैसें और कीड़े मकौड़ों को शौचालय में फैलने से रोकने का काम करती है और शौचालय के ठीक प्रकार से काम करने के लिए जिम्मेदार है। के अच्छी तरह से जम जाने के बाद 4 इंच की पाइप लगाई जाएगी। सीमेंट के साथ भीगे हुए जूट या सूती कपड़े से पाइप को मुर्गे से जोड़कर जाम किया जाएगा ताकि मल बाहर ना बहे। मुर्गे की पाइप को निगरानी कक्ष के भीतरी दीवार तक ले आएंगे। पाइप मल को मुर्गे से निगरानी कक्ष तक ले जाने का काम करेगी। अब मुर्गे और सीट के बीच जोड़ को सीमेंट में भीगे हुए जूट या सूती कपड़े के साथ अच्छी तरह से सील करेंगे, जिससे कि प्रयोग के दौरान मुर्गे का पानी चबूतरे के अंदर लीक न करे। एक बार सीट की सही स्थिति मिल जाने के बाद सीट को पुरानी ईंटों के साथ मुर्गे के ऊपर जाम करेंगे। कमरे का चबूतरा बनाते समय सीट के नीचे का मुर्गा किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है और ये जिस दिशा में होगा निगरानी कक्ष उसी दिशा में बनाया जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि मुर्गे से निगरानी कक्ष जितना दूर होगा मुर्गे और पैन की ऊंचाई उतनी ही ज्यादा होगी, जिससे कि मुर्गे से निगरानी कक्ष तक जरूरी ढाल मिल सके। मुर्गे से गड्ढे तक शौचालय की ढाल 1:10 के अनुपात में होनी चाहिए। दोनों पावदानों को सीट में बने छेद से 3 इंच आगे की ओर लगाएंगे। दोनों पावदानों के बीच 12 से 14 इंच की दूरी होगी और पावदान शौचालय प्रयोग करने वाले व्यक्ति के पैरों के अनुसार पीछे से आगे की तरफ व अंदर से बाहर की तरफ वी आकार में खुले होंगे।